फिरोजाबाद 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण किया और इसके उपरांत महात्मा गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके उपरांत विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी ने सभी को स्वच्छता ही सेवा की शपथ दिलाते हुए अपने आसपास के परिसर को स्वच्छ रखने की अपील भी की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सिद्धांतों के साथ जीवन जीने वाले महान प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि देते हुए सभी से अपील की कि उनके महान आदर्शों पर चलकर हम उन्हें हृदय से सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि हमारे राष्ट्रपिता ने अखंड भारत का सपना देखा था, परंतु समाज में आज भी कई विषमताएं हैं। उन विषमताओं को मिटाने के लिए महान विभूतियों ने अपने सिद्धांतों के माध्यम से प्रयास किया, जिन्हें अपना कर हम अपने समाज की उन विषमताओं को दूर कर सकते हैं। समाज में बढ़ रही विषमताओं को महापुरुषों के महान सिद्धांतों के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि गांधी जी ने अपनी दूरदर्शिता से आने वाले भारत के निर्माण में अविस्मरणीय योगदान किया। आज कलेक्ट्रेट फिरोजाबाद में 2 अक्टूबर की जो तैयारियां थी वो सकुशल हम लोगों ने यहाँ पर उस कार्यक्रम को अंजाम दिया। हमारे राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी को भी श्रद्धांजलि दी गई। विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर कई बच्चों ने अपना कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण किया और कई वक्ताओं ने अपने विचार